हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑकेले 47। और हमेशा की तरह एक बात पहले ही, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब बटन, पांच घंटे नीचे नाता से जरूर दबाइए नई वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, जो गेम है द वॉकिंग डेड एपिसोड 3 है, सीजन 1 है ये, और मैंने मोबाइल में खेला था, और जहाँ तक मैंने खेला था वहाँ तक मैंने अभी ये PC में खेल के रखा है। उसके आगे हम देखेंगे, जैसे हमें ट्रेन मिल जाती है और हमने पीछे कहीं पर स्टक होती रहती है, तो हमने मेरे ख्याल से मोबाइल में मैंने पीछे से इसका कुछ स्टक हटा दिया था शायद यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फिर से इसे हटाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने चालू वगैरह कर दिया कुछ पजल टाइप हल वगैरह करके। और ये भी आपको पता होगा कि हमें जो केनी है उसका जो लड़का है डक, उसको जोम्बीज ने काट लिया था, और अभी हम इस शायद ट्रेन के सहारे आगे जाएंगे क्योंकि हमारे एकदम रास्ते के बीच में आ रही है। और इसमें ये बहुत बुरी बात हुई थी कि इसकी जो हम सोच रहे थे कि गर्लफ्रेंड दिखाएगा जिसको, उसको एक एडी ने मार दिया और हमने उसको वहीं पर छोड़ के हम यहाँ पर आगे आ गए हैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता। ओ भाई, हमने तुम्हारी चीज़ें नहीं चुराई भाई, वो क्या कुछ तो लिया था हमने यहाँ पे, शायद एक चीज़ ली है हमने यहाँ से। मोरे यस, वो तो हमने ली थी यार, ये शक्ल से ज़ोंबी लग रहा है लेकिन ये ज़ोंबी लोग बातें नहीं करते। तो ये जो शख्स है शायद यहाँ पे रहता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उसको सच बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने जैसा कुछ है नहीं। भाई ये सब लोग मेरे साथ है, इतना वो मत करो। अच्छी बात है भाई, इसने पहले ही शायद ही मुलाकात कर ली हमारे दूसरे साथियों से, हमारे साथ शायद ये और शख्स जुड़ जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे वो गिटार लेके बैठा हुआ है। हाँ, चौक है वो, चौक। हाँ भाई, नॉर्मल लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है इस ज़माने में। और उसका नाम अच्छा है भाई, चक। उसने उन लोग को दिया खाने के लिए, तो धीरे धीरे खाने भी बैठ गया भाई। किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलेगा। ना क्यों उसे हम ये पूछे कि तुम्हारा क्या चल रहा है वगैरह से, लेकिन ये बहुत अजीब बात है, उसे कैंडी कहाँ से मिली। लिए अभी इन लोग भी कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं, कोई मिलता है। ये बहुत बुरी बात है, लोग ने पता नहीं क्यों बच्चे लोगों को भी अभी ये ज़ोंबीज के इसमें डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है भाई, बच्चे लोगों को ज़िंदा रखेंगे तो क्या होगा। और वैसे भी इसमें बताया नहीं गया है कि कब तक, यानी कि लोग ज़ोंबीज में तब्दील होते हैं, तो इस बच्चे का तो वैसे भी नहीं दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि पिछले इसमें हमने देखा हो कि बच्चे के पीछे हाथ धो के वो पड़ा हुआ था, एक वो लीली था उसका बाप था राक्षस जैसा, उसको एक्चुअली केनी मार देता, ज़रूरी नहीं था उसे वहाँ पे मारना। शायद वो ठीक हो रहा था जब उसे हार्ट अटैक हुआ था, तो उसे मार देता है ये, तो वो भी उसके पीछे पड़ा था पहले भी कि ये ज़ोंबीज ने काटा। लेकिन अब तो सच हो गया कि इसको ज़ोंबीज ने काट लिया है, तो हमें अभी से तैयार रहना चाहिए कि वो तो अभी हमारी टीम में से चला जाने वाला है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि बच्चे लोगों को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। भाई क्या करेंगे, यहाँ पे लोग मिलते जाएंगे बिछड़ते जाएंगे। अब तक तो हमारी टीम में है, पहले से ये बच्ची है हमारी टीम में, और आगे हमसे जुड़े हुए कुछ लोग, लेकिन अब तो ऐसा लगता है सब लोग एक एक करके छूट जाएंगे। और ओ भाई, चक चक दे इंडिया गाना गा लेते हैं यहाँ पे। हे फ्रॉम आई अलोन, हाँ फ्रॉम पूछे, अलोन पूछे, चलो क्योंकि अलोन तो ठीक है, क्योंकि उसके भी साथ कोई ना होंगे, मर भी गए होंगे, अब उसको क्यों हम लोग छेड़े ऐसा कि भाई तो अलोन क्यों है, तो बेचारा बोलेगा मेरी फैमिली मर भी गए। तो फिर उसे पूछ, सही बात नहीं लगती किसी को इससे पूछना, क्योंकि पता तो है क्या चल रहा है दुनिया में, तो उसको क्यों पूछे, तो बुरी बात है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं पूछना चाहिए किसी को भी। चलो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग को गाड़ी चला देनी चाहिए ना, कर तो लिया हमने सब कुछ। लेट्स गो, उसी का तो इंतज़ार कर रहे थे भाई, हमने इतना मुश्किल से वो सब पजल वजल हल किया था, हम जा रहे थे। हाँ भाई, ये शख्स कब से ऐसी रह रहा होगा इस जगह पर, तो गाड़ी तो हमने अभी ठीक की हुई है, अब चलेंगे। चलो भाई, ज़्यादा बातें मत करो, इस जगह से निकल जाओ। उसे ठीक नहीं लग रहा है उसके सामने उसके बच्चे के बारे में कोई ऐसा बात करे शायद। ओ
वो डर रहा है कि क्या कर रहे हैं। गुड आइडिया Is the train really a good idea with duck like that? Hmm. We should focus on one thing at a time. चले जाना yes. चाहिए what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kent. उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई मेरे ख्याल से कि उसके सामने ने इस बच्चे का कुछ ऐसा हम बोले कि भाई वो बीमार है, उसे काटा हुआ है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं वगैरह, ऐसा शायद कुछ उसे पसंद नहीं है। उन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। वैसे दिख तो रहा है आगे क्या होगा, लेकिन उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। चलो चालू करें, मेरे ख्याल से चालू होने के अभी नया नाटक मत करो। हाँ अभी मत बोलो कि यहाँ पे ये है और जाके उसे शुरू। ग्रेट ग्रेट चालू हो गई, इतनी धीरे क्यों चल रही है? मेरे ख्याल से आगे फास्ट हो जाएगी। चलो वैसे भी ट्रेन पहले स्लो स्लो ही चलती है। बाय 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 बाय, झंडा लेके खड़े हो जाओ ना, फिर ग्रीन झंडा हो गया किसके लिए? हम लोग तो बीच में से चालू करें, लेकिन सबके चेहरे पे देखिए कैसे मायूसी छाई हुई है, क्योंकि डक की वजह से एक्चुअली बच गए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब मैंने पहले से देखा था कि बच्चों को बचाने के लिए लोग बहुत कोशिश करते, झूठा इल्ज़ाम लगा देते उसके ऊपर कि उसे काटा हुआ है, लेकिन ये बात वो सच हो रही है, बहुत बुरी बात है। हाँ ये लोग हमेशा ऐसे ही चलते हैं, कुछ अलग तरीके से नहीं चलते हैं। बाय बाय ऐसा बोलते हुए जाओ हम लोग को। हाँ इसका एक दोस्त है ये, उसके साथ इस दौर में अभी कोई दोस्त नहीं था, उसने एक दोस्त बनाया था और अभी वो भी इस तरह से चला जाएगा, ये बहुत बुरी बात है। हार्ड ऑन यू एडल्ट्स टेक केयर ऑफ थ्री किड्स। ठीक है एक किड का तो क्या बोलेंगे। बच्चे का भाई तुम लोग इस गेम में आप किसी से भी ये मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में आप किसी की तरफ से मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इन लोग किसी भी कैरेक्टर को ख़त्म कर देंगे, आप जज्बाती हो जाएंगे। तो बच्चों से वैसे भी लगा होता है, लेकिन लोग बट कैनी को कैसे बोलेंगे कि अभी वो तो सुनने को तैयार नहीं था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बारे में बोले कि बच्चा ऐसे बीमार है। अभी उसको जाके हमें बोलना पड़ेगा कि भाई रुकाओ भाई, लेकिन कैसे तो बहुत अजीब है। कैनी एक्चुअली बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है, यानी कब उसे क्या लग जाए, कब वो एकदम वो हो जाता है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है वो। तो इसमें उसका कैरेक्टर बहुत अजीब है कैनी का, बोल नहीं सकते कब क्या करें। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जाना है ना उस तरफ, मैं कहाँ घूम रही हूँ? एक्चुअली यहाँ पे मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे देखिए, आप देख सकते कि उस तरफ दरवाज़ा नहीं, मैं वहीं पे घूम रही हूँ, जबकि मुझे इस तरफ चलना चाहिए। इसमें मैंने टाइम पास कर दिया। हम पिछले इसमें हम इस तरह से चलते थे यहाँ पे, अभी हम चलते ट्रेन में चलेंगे यहाँ पे। और ये क्या बोलूँ मैं कि इसमें जो किरदार है सबके, इन लोग ने बहुत अच्छे बनाए, लेकिन कुछ ऐसे समझने के लिए बहुत ही मुश्किल है उसमें से कहनी है। तो अभी उसको जाके बोलना, क्योंकि हमें दिख ही रहा था कि उसे पसंद है। शक्ल ही देखो उसकी, सुन रहा है क्या वो? मैं खुद रोक सकती हूँ इस ट्रेन को, जैसे मैंने चालू किया था। स्टॉप द ट्रेन, डक विल बी फाइन। ठीक तरह से मैं चुन भी रही हूँ चीज़ों को, हमें इस तरह से भाई इसका हमें ना ठीक तरह से चुनना है इन सब चीज़ों को, नहीं तो स्टोरी में कुछ फेरफार हो जाती है। हाँ भाई उसे समझाना इतना मुश्किल का काम है। भाई इसका तो कुछ अजीब चल रहा है भाई, चुनना है डर वो सब। You think you're the reason Duck was bitten? Like you had this coming or something? You need to just get over it. Fuck, man. There's no room anymore for feeling bad about things. Bad shit's gonna happen for the rest of our lives. It's just the way it is.
भाई उसे समझाना मुश्किल क्यों इतना? तो चिल्ला रहे तो रुकेगी भी कि नहीं शख्स? ओ सुन लिया इसने हमारी बात? हाँ मुझे लग रहा था सुनेगा नहीं ये भाई। सुन लिया इसने हमारी बात? हमने कुछ ना कुछ इसको एक तरह से हमने इसे समझा दिया, अच्छी बात है। मुझे लगा कि इसे समझाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसकी शक्ल देख रहे थे कई स्थिति और पहले से वो खफा हो रहा था कि बस बच्चे के बारे में कुछ बोले। ये अच्छी बात है, हम लोग ने उसे समझा दिया और काम हमारा हो गया। मुझे लगा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है किसी को भी ऐसे ये बोलना कि भाई अभी तुम्हारे बच्चे का काम तमाम हो रहा है तो ये तो बात है। भाई इन लोग का भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तो बकवास बात है ना कि हम उसे बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं वाम नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं, किसी के जिंदगी मौत का सवाल है और हमसे कह रहे हैं कि जाओ जल्दी से। ये तो सही बात नहीं है। ये लोग कहाँ कहाँ से बच के आए हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give? By pills, होते तो क्या होता भाई जिंदगी में? Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. आजकल के ज़माने में भी हम एक चीज़ के लिए पिल्स ही ढूँढ रहे हैं भाई। ऐसा होता तो क्या होता? You want me to? You don't have to. I'll do it. तो पागल है क्या? पागल हम लोग को मैं करवाऊँ? लेकिन मैं मुझे भी करना पड़ेगा यार, ये भी मुश्किल बात है ना। पहली बात तो माँ बाप से हम नहीं बोल सकते कि अपने बच्चे को आप लोग ख़त्म करो, और ऊपर से मैं कह रही हूँ कि मुझे कर। लेकिन वही ठीक है उन लोग से अच्छा मैं कर रही हूँ। ये इतना मुश्किल डिसीजन है कि अपने एक लौते बच्चे को तरह से ख़त्म करना, वो हम करने वाले हैं, मुझसे इन लोग करवाएंगे अभी। लेकिन है कोई चारा, ने हमको तीन ही ऑप्शन दिए थे कि वो करे या फिर उसका ये कहनी करे, उसकी माँ करे या फिर मैं करूँ। तो ये तो सही बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। वो तो पूरा ज़ोंबी नहीं बनाया तो हमसे, उसका दोस्त चला जा रहा है, उसके आखिरी बार उसे देख रही है, बहुत गलत बात है। उसे बंदूक से मारने वाले हैं। सच बात है तो बोलना ही चाहिए ना, तो वो तो देखते आ रही है तो क्या बोल सकते हैं उसको? ऐसे क्या मैं उसे मार डालने वाली हूँ ऐसा बोलूँ उसको? ये तो बकवास है ना, ऐसा थोड़ी कोई किसी को बोल सकता है क्या मैं मारूँ? अब जाके करना पड़ेगा। हर बार सच्चाई डाकू लोग आ गए क्या अभी? वो पिछले एपिसोड में नहीं, क्या एपिसोड बोले उसमें नहीं क्या डाकू लोग थे? डाकू लोग आ गए क्या अभी? वो देखो कैसे देख सकती थी ना कि उसका उसका बच्चा उसके सामने मर जाए, देख ही नहीं सकती थी कि उसका बच्चा उसके सामने वो मरते हुए देख ही नहीं सकती थी। What the hell happened? What did you? She could. She just. Oh, fuck. सच बात तो ये है कि उसने अपने आप को मार दिया यहाँ पे, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती थी।
we do. Give me the gun, kid. I'll do it. मत बताओ ये सब प्लीज। एक ही पल में उस शख्स की उसका परिवार ही खत्म हो गया और इन लोग ने अभी कैरेक्टर को लोग बहुत ये है क्यों उन लोग ने ऐसे बताया। उसने बेचारी ने उस सुसाइड कर लिया क्योंकि एक माँ तो नहीं देख सकती अपने बच्चे को मरते हुए। भाई इन लोग अच्छे लोगों को इस तरह से क्यों मरवा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पिछले टाइम भी उन लोग ने उसको वो जिसको चाहने लगा था उसको ख़त्म कर दिया, अभी बेचारे बच्चे को फिर उसकी माँ। हाँ भाई ऐसे मत कराओ, मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि ये सिर्फ है लेकिन इन लोग ने दिखाया बहुत ही अच्छा है कि आप जज्बाती तौर पर इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। और मैंने अभी कहा था कि जज्बात मत लगाओ इसमें क्योंकि हाँ भाई ऐसे मत करो। अभी ये एक शख्स है, पता नहीं कैसा शख्स है जो हमारे टीम में शामिल हो गया, उसके ऊपर भी गुस्सा हो रहा है। हम वो चीज़ को ज़रा पीछे रखते हैं कि आगे में दिमाग लगा के खेलना है, तो जो बुरी बात हो गई उसे हम पीछे कर देते हैं। हाँ भाई तेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको बोल रहा है कि सब मरने वाले हैं क्या, अभी ऐसा करेगा इस शख्स से। भाई उसको मैं क्या बोलूँ कि उसे पसंद है। ये थोड़ा सा शख्स सुलझा हुआ भी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। ओके, छोटे बच्चे को क्या बताओ मिस, कैसे उसे बताओ क्योंकि किस तरह से क्या मीन्स वो बोल रहा है कि उस बच्चे को तुम ये करो मिस ट्रेन करो जैसे अपने बचाव के लिए, तो कैसे। लेकिन करना ठीक है, वो सही बोल रहा है क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि डग जैसे चला गया उसको भी कुछ हो सकता है। हमें पता है इस लड़की को कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेन कैरेक्टर है, लेकिन ये जो बोल रहा है भी ठीक है तो इसे सिखाना ज़रूरी है। ठीक है भाई जो भी ये बोल रहा है इतना गलत नहीं बोल रहा है और सच्चाई से उसने रूबरू करवा दिया है उस, तो हम उसके ऊपर अपना चिल्लाने आ गए भाई तू क्या बोल रहा है। लेकिन जो सच्चाई उसको से छुपा के भी नहीं रख रहे, लेकिन जो बात है सामने है उसके हिसाब से ट्रेन करना भी लोगों को ज़रूरी है कि आप जब आप किसी ऐसे इसमें फंस जाओ तो आप क्या करो। तो सिर्फ एक लड़की है छोटी सी बच्ची, लेकिन कुछ तो उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोल तो रहा है एकदम ठीक। हाँ और उसे उसके बालों को भी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वैसी अच्छी लगती है ना वो, फिर क्या इसको पूछे क्या, इसको पूछते बैठेंगे ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चलता है तो। ओ भाई ऐसी बात है, मैंने सोचा अभी लेकिन अपने ग्रुप में शख्स आ रहा है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना इसलिए पूछ रही थी। लेकिन होमलेस हो गया भाई, हम भी कहाँ पे, लेकिन हम भी तो होमलेस ही घूम रहे हैं ना। फिर भी suppose,
सबके अपने अपनी कहानी है, सब अपने अपने लोगों से कहीं से ना कहीं से आ गए हैं और होमलेस ही घूम रहे, हम भी होमलेस हो गए, सिर्फ कुछ एक छोटा सा परिवार, लेकिन देखिए किसी भी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, जाने दो, यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा बात करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। जाए यहाँ से, उसको और कुछ पूछे, चलो चलते हैं हम लोग, उसको बोल रहा है बच्चे बच्चे को, चलो यार इससे बात करे, बात कर सकता है ये, वैसे थोड़ा अजीब है, ऐसा गुस्सा हो रहा था लेकिन अभी उसने परिवार खो दिया, इससे बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से। चलो इसका प्लान फिर भी वही है क्या, पूछ लेते हैं कि वाकई वो जैसे जाना चाहता था वो सब बोट वगैरह की तलाश करके, तो वाकई में उसका प्लान है, वो फिर भी उसके ऊपर है एक्चुअली, ऐसे नहीं कि उसका सब ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे ही पड़ा है, वो चाहता ही है कि आगे इस तरह से जो उसका पहले से प्लान था बोट हासिल करके वहाँ से जाना वगैरह, वो बोल रहा है। ओ भाई मैं वो कैसे लूँ जो वहाँ पे है ना, वो कैसे लूँ, वो चाहिए ना हम लोग को मैप, अगर दे रहा है कि वो ले सकते हैं तो बिना उससे बात कर, फिर से हम लोग वही बड़बड़ाते रहेंगे है ना, देखिए फिर से वही आ गया यहाँ पे, फिर से हम यही बड़बड़ता रहेंगे, अब ऐसा है वैसा है, मेरे ख्याल से क्या बोलूँ, कैसे ले ऐसे बात करके हमें मिलेगा उससे। उसके माँ बाप सेवाना में गए हुए ऐसा बोल रही ना वो, तो पहले तो एपिसोड से बोल रही है, ये मुझे यहाँ से मिलने वाला नहीं है भाई, ये कैसे मिलेगा, ये कहाँ कैसे मिलेगा, ये मैप लेने की कोशिश कैसे करे, अगर वो दे रहा है कोई और तरीका होगा फ्रेंड्स उसको हासिल करने का, कोई और तरीका है उसको, ये येड़ा यहाँ पे है, इस येड़े को कोई येड़ा है, ये बैन है, इसके दोस्त लोग मर गए, दोस्त था उसका सर था वो मर गया वहाँ पे, ओहो इसको हमें वो बोल रहा है कि सिखाओ उसके बालों का कुछ करो वगैरह वगैरह वगैरह, ये देखिए यहाँ पे, चलो यार रह। भाई इतना भी गाड़ी चल रही है और ये चीज़ गिरी नहीं यहाँ से, मैं ढोस लूँ क्या इसको चलो यार उसको कुछ रहा कैसे, वो बोतल चलती ट्रेन में गिरनी चाहिए थी, इससे बात करें शायद इसको कुछ बुरा वगैरह लग रहा होगा, तो करे क्या उसे, नहीं मेरे ख्याल से ना फिलहाल हम वो मैप के ऊपर हम करते हैं, और उसके ऊपर अगर वो दे रहा है बात करने का दे रहा है, हम बाद में आके उससे बात करें, पहले बात करें तो उससे, मैं सोच रही हूँ पहले से बात करें तो, क्योंकि ये रास्ते में मिल रहा था, बाकी शायद आगे इसको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्या सोचता है ये, इससे कुछ बात करें हम, हाँ यहाँ से एक बार इससे बात करके हम आगे निकल जाते हैं, फिर वो आगे जो भी हमको मैप वगैरह चाहिए वो करेंगे, ओके नहीं इससे कुछ बात करने का खास नहीं था, मैं घूम खाम का घूम के आई यहाँ पे, सोचा भी आगे जाओ वहाँ जाके सोच रही हूँ कि जाके उससे बात करूँ, तो अभी तो हमने ये ले लिया है, और इसको भी इसको दे दे क्या, इसको दे नहीं, वो तो वो मांग उसको दे क्या, इससे बात करना मुझे नहीं मिल रहा है, ये उसी को जाके हम देखते हैं, उसका सामान है, चलो इसके पास आते हैं भाई, हम लोग ही एक्टिव क्या बोलते हैं उसका, एक्टिव शख्स है, यहाँ से वहाँ घूमते रहते, लोगों के काम करते रहते हैं, भाई ये ले तेरा ले तेरा ही तो सामान है वो बोलता है ना मेरे स्टेप को हाथ लगाया क्या, तो पहले भी उसको ही ला के देते हैं ना भाई, तू पहले ही पी ले, मुझे लगता है उसको देनी चाहिए, नहीं भाई तुम, मैं यहाँ पे दारू पीने के लिए नहीं बैठना है मुझे यहाँ पे, मुझे होश में रहना है, बेवकूफ़ गम का माहौल है भाई, कैनी को दे दो, थोड़ा उसका दिमाग ठिकाने आ जाए, वैसे सही बात नहीं एक्चुअली, मीन्स रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत परेशान हो तो दारू ढोसते बैठो, लेकिन ये गेम है तो इसमें शायद हम उसको ये करने के लिए दे सकते हैं ना, वो मिस वो बियर वगैरह दे सकते हैं ना, या फिर ऐसी बात करें यहाँ पे, देखो हाँ ग्रेट हम उसे दे सकते हैं, ठीक है उसे देना चाहिए, जा वहाँ पे जाके तू ढोस ले, शायद मैं यहाँ से मैप हासिल कर लूँ, जा ढोस ले बाबा तेरे को ज़रूरत है, चल निकल अभी यहाँ से हटेगा तभी तो हम लेंगे भाई, यानी ये तरीका था, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं था, वो दारू लेके उसको देना था, फिर इसको दारू बोलना था कि उसके साथ तू शेयर कर जाके, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, इतनी जल्दी आ गया ढोस के भाई, इतना जल्दी कैसे तुम लोग पी सकते हो, भले ही एक घूट हो तो इतने जल्दी तो पिएगा, वो एक नंबर का बेवड़ा होगा
भाई अड़े तू अभी इधर ही बैठ, मुझे जाने दे, सोचते रहे यहाँ पे अभी। सच बोल रही थी वो लीली, बाबा उसको पकड़ रही थी इसको। अरे वे लीली सच बोल रही थी, इसको पहले वो पकड़ रही थी, उसके इसमें उसने उसको मार दिया। उसका फॉल्ट भाई, वो तभी नहीं नहीं उसको कि What for? Why the hell would you do this? They said they had my friend, that he was with them. By the time I realized they didn't, it was too late. They said they'd kill me, kill all of us. I'm sorry, Lee. अरे भाई तेरी वजह से मर गई ना, एडी ने उसको मार दिया ना भाई, तेरे को तो फेंक देना चाहिए कहीं से। हाँ क्यों नहीं, बोल दिया ना, बहुत अच्छा काम किया। और बोल रहा है अभी तेरे को और मुझसे बात करनी है क्या, हट। I'm real sorry. अभी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान मर गया यहाँ पे तेरे तेरी वजह से। उससे अच्छा तेरे को कहीं से हम लोग ऐसे या ट्रेन में से नहीं, कहीं से तो जो फेंक देना चाहिए, तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। चलो हमें मैप मिल गया है क्लेमेंटाइन के लिए, हमें क्या क्या करना है, उसको ट्रेन करना है, बालों का कुछ करना है वगैरह वगैरह। देखिए छोटे बच्चे को हम क्या मिस क्या सिखाएंगे। Teach you how to protect yourself and tidy up a little so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. You need to learn protect yourself. उसे हम कैसे सिखाएंगे? You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it, but know where your finger is all the time, and don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. See, it's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? When you're ready to shoot. Make sure you're not breathing too hard. Then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. I found that if I did that, it's a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. हाँ भाई ओके, सब कुछ ठीक है और देखते हैं कितना समझ में आया है। Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. नहीं, वो PUBG खेलते तो हमको आ जाते। Stick with it, okay? Do I have to? उसने इतना इजीली पकड़ के रखा था, देखा? You do. PUBG खेलना चाहिए था उसको, फिर आ जाता। भाई ये क्या है, कुछ भी हम सिलेक्ट कर ले। हाँ अभी मुझको नहीं पता, हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। एम लेफ्ट वगैरह पता नहीं। Bit to the right. Higher? ठीक रहेगा? Okay, a little higher. Yeah, you did. Good job. I was holding my breath. यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि मैंने इसे पास कर दिया था और मैं तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. Not so scary, huh? ये बात सही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग 50 घंटे लगा रहे थे एक बोतल को तोड़ने के लिए, जब ज़ॉम्बी आएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ तो हमने उसे सिखा दिया यहाँ पे, देखते हैं। चलो अभी हमें उसे मैप दिखाएंगे। हाय, आई वांट टू टॉक अबाउट सवाना। मी टू। एंड व्हाट वी गोना डू व्हेन वी गेट देयर। वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। द सिटी कुड बी बैड और टोटली अंडर कंट्रोल। द थिंग इज You and I, we're a team, you know, and a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. हाँ पेरेंट्स टू हेल्प फाइंड द बोट, यू शुड नहीं, उसको अपने पेरेंट्स ही चाहिए तो हम उसको वही बोलेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, वो इसीलिए जा रही है। तो you need to know if they're okay, and, well, if they're not,
I'm sure they're okay. लेकिन ये बात एक सही है कि उसे हम बोल रहे हैं लेकिन हमें पहले एपिसोड से पता है कि वो लोग नहीं मिलने वाले हैं। Let's stay positive. That's what Dad always says. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. Now we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the, something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! देखिए क्लू हमें मिल रहा है उस हिसाब से हम जाएंगे वहाँ पे उसके लिए हम जा रहे हैं हम लोग पता है कि पेरेंट्स का तो काम तमाम हो गया लेकिन जाएंगे पॉजिटिविटी के साथ वैसे मुझसे इससे तो नहीं बोल सकते कि हम पहले एपिसोड से वो बोल नहीं रहे हमें पता है लेकिन हम नहीं बोल रहे तो यहाँ पे हमारा बैक पैक है और चलो देखते हैं उसके अंदर अभी हम लोग को देखना है उसका देखो हम लोग सब साथ में लेके घूम रहे थे जो कि हमें चीज़ चाहिए वो लेके ही घूम रहे थे हम लोग उसने बोला उसके बालों का कुछ करो तो हम लेके आ गए देखो तो भाई वैसे ठीक है ना फिर भी हाय सो यू प्रोबब्ली नॉट गोना लाइक दिस ओह नो व्हाट हैपेंड नथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट योर हेयर इट्स नॉट सेफ That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Because it does, kinda. बालों से ही क्यों आएगी भी इतने दिनों से तुम लोग कहीं भी शावर कहीं गए ही नहीं होंगे अभी इन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा नहाने के लिए कहाँ से मिलेगा तो फिर बालों से ही थोड़ी ना स्मेल आएगी Just a trim, right? हाँ कर देते हैं कुछ भी नहीं बहुत बड़ा ये था क्या बोलते इसको बार्बर था मैं ठीक से कर दूंगा देख लेना मुझे तो वही करना है भाई वेट वेट करके क्या मिल रही यार हम जल्दी से इसके बाल ही काट देते हैं जो भी है जैसे है हम इसको बन जाते हैं बॉय कट बना देते हैं मैं बहुत बड़ा बार्बर था अब मैं दिखूंगा लेकिन उसको खुद ही हो रहा है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं ऐसा कुछ और मेरे ख्याल से उसको भी वो पसंद नहीं आ रहा है कि ये कैसे करेगा लेकिन हम देखते हैं फिर भी इसके अंदर क्या करेंगे जो भी है हाँ बॉय जैसा क्यों करेंगे हम लोग टकला कर देंगे टकला सेफ नहीं है बाल इसके टकला कर देंगे ना अभी तो कुछ काटे ही नहीं है हमने चलो एक साइड के हमने काट दिए दूसरे साइड के काट देंगे बॉय कट बना देंगे रिमेम्बर रखेंगे इन लोग आगे जाके कहाँ कहाँ लिख के आता है कि रिमेम्बर करेंगे आगे जाके याद रखेंगे जो भी है फिलहाल इतना कुछ बुरा नहीं है जो भी हम बोल रहे हैं हम लोग जो तय कर रहे हैं हम लोग जो इसमें से चुन रहे हैं ठीक है फिलहाल अभी आप क्या किए वो लेके घूम रही थी वो बंडल लीली ने उसे दिए थे चलो ठीक है क्या किए देखो उसको पसंद नहीं है मैंने पहले ही बोला था डम नहीं है भाई क्यूट है पहले भी क्यूट था अभी भी क्यूट है मेरी फेस ओके मैंने कहा ना मैं बहुत बड़ा बार्बर था चलो अब क्या ओके अभी हमने उसका वो भी ठीक कर दिया उसे सिखा भी दिए उसके बाल वगैरह काट भी दिए वगैरह हमने सब वो मैप अप देख लिया यानी कि हमारा जो भी टास्क था हमने कर लिया और ज़ॉम्बीज आ गए यहाँ पे और यहाँ पे और क्या दिखाएगा भाई हमारे पास इतनी बड़ी ट्रेन फिर भी वहाँ पे कोई ज़ॉम्बीज नहीं ये देखो नहीं ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है अब कैसे जाएंगे बट ट्रेन भी हमारी अब किस काम की नहीं fuck, 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 fuck!
तो ऐसा बोलने से कुछ होने वाला है इसका walk, ऐसा काम वैसे भी वो येड़ा है जो बेन है वो येड़ा है I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. The thing's not full of milk, Charles. It's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. अब जाओ चलते चलते जाओगे. लेकिन ये लोग चलना भी ज़्यादा सेफ नहीं है. Yo, you keep screaming like that, you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लोग नए आ गए हैं और हमें ये वीडियो है इसे और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए अब लोग नए आ रहे हैं तो कुछ नया शुरू होगा तो फिर आगे की वीडियो में देखेंगे कि आगे इनके साथ कहाँ जाएंगे मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ यहीं भी इस वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए तो इन लोग का थोड़ा सा सुन लेते हैं यहाँ पे और उस हिसाब से वीडियो ख़त्म करते हैं तो मिलेंगे हो सकता है कि अगले इसके अगले पार्ट में या फिर किसी और गेम प्ले में तो थैंक यू एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे बोल देते थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स.